हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरु कुलवैद्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि इस वक्त आपके लिए जो क्लास होती है परसेंटेज की होती है, जो कि हमारी बहुत शानदार क्लास चल रही है जीरो टू हीरो कंसेप्ट के अंदर। ठीक है दोस्त, तो बहुत शानदार क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे, उसके ट्रिक भी बताए थे परसेंटेज की। मैंने कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी थी याद करने के लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी हमने करवा दिए हैं। लगभग काफ़ी कंसेप्ट करवा दिए हैं आपको। अब जो कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमारे बचे हैं जो वो बाकी हैं आपको करवाएंगे अब। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्त चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो देखिए दोस्त, द सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 20% देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। यानी कह रहा है कि किसी पर्सन, कोई आदमी है, उसकी जो सैलरी है वो 20% इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले में क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो जाती है, फिर कह रहा है कि 20% देखिए इट इज डिक्रीज बाय 20%, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 20% कम हो जाती है, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। यानी उसके बताना है कि उसकी सैलरी में चेंज हो रहा है उसका क्या प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्त, मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तो देखिए जो सब करते हैं वैसा, एक बहुत छोटा तरीका, बहुत जैसे किया आप देख लीजिए, देखते ही आप आंसर निकाल लीजिए एक सेकंड में, सिर्फ मात्र एक सेकंड में आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तरीका ही बता दूंगा मैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसी तरीका सीख लीजिएगा, लेकिन पहले चलिए आपको एक बेसिक मेथड वाला बेसिक जो तरीका है वो करवाता हूँ, सवाल को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है देख लीजिए। मान लेते हैं दोस्त, हम यहाँ मान लेते हैं, पता आपको पता होना चाहिए 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ये आपको पता है 20% इक्वल टू 1/5, ये आपको पता है दोस्त, पता है ना। तो ये आप पता लग गया, यहाँ पर आप न्यू ओल्ड फिर या न्यू वन लिख लीजिए, यहाँ ओल्ड लिख लीजिए, फिर एन टू लिख लीजिए, एन टू यानी नया दूसरा, यानी जब घटने के बाद, तो आप रेशो बनाइए। देखिए दोस्त, एन वन का मतलब क्या, मैंने लिख दिया एन वन मतलब न्यू, जो पुराने सैलरी से जब बढ़ा तब, एन टू का मतलब ये भी नया जब ये डिक्रीज हुआ तब। ठीक है, यानी पुराने ये यहाँ पर लिख लीजिए, एन टू को आप यहाँ लिख लीजिए, क्यों लिख लीजिए एन टू यहाँ पर, तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ कम होगा ना, यानी जब बढ़ गया उसके बाद फिर कम होगा, तो बढ़ने में से जो बढ़ा हुआ होगा फिर से कम होगा। तो देखिए मैंने बोला था हमेशा आपको, जो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, तो आपके पास जो पुरानी सैलरी थी कितनी होगी, तो यहाँ लिख लीजिए 5, यानी वो कितने लिख लीजिए 5। आपको जिग जैग तरीका करवाना है इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए नीचे होगी, नीचे 5 लिख लीजिए। उसके बाद फिर देखिए जब बढ़ गया है तो 5 से एक बढ़ा तो 6 हो जाएगा, यानी 6/5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों की वैल्यू में आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिख देता हूँ अब। तो देखिए दूसरे में क्या हुआ, जब अब घट गया यानी 20% घटा है, तो यहाँ भी क्या होगा 20% अब घटेगा, यानी 20% का 20% का 1/5 ही होगा, इसमें जब 20% घटा है तो उसका वैल्यू भी 1/5 होगा ना। तो आप क्या कीजिए, जो नई सैलरी जो इसमें होगी, इसके लिए तो पुरानी सैलरी क्या होगी 5 ही होगी ना, इसके लिए पुरानी सैलरी क्या होगी 5 होगी, और जो घटेगी तो 4 हो गई। ठीक है, ये समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब इसको काट, इसको सोल्व कीजिए देशों को, तो क्या होगा 4 × 24 होगा, 5 × 30 होगा, और 5 × 25 होगा, 5 × 25 होगा। यानी देखिए पुरानी सैलरी उसकी कितनी परसेंट थी दोस्त, 25% थी। ठीक है, सबसे पहले 25 जो सैलरी थी 25% नहीं, इसको आप मान लीजिए 25 संख्या मान लीजिए कि उसकी पहले जो सैलरी थी 25 रुपया थी, 20% बढ़ने के बाद 30 रुपया हो गया, फिर 20% कम होने के बाद 24 रुपया रह गया है। तो अब बताना है कि उसके जो सैलरी में क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव आया है, ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो गया दोस्त, तो पहले देखिए क्या आएगा, यही आपको जब बदलाव चेक करना होगा, बदलाव जब भी कहेगा चेंज क्या आया, तो आप पुरानी सैलरी में जो सबसे पहले जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में थी उसमें, और जो लास्ट जो मतलब देखिए जब बदलाव पूछ रहा है आपसे, तो जो लास्ट वाली सबसे पहले वाली सैलरी होगी उसको कंपेरिजन करना है किससे, जो हमारा फिलहाल जो रिसेंटली इस वक्त जो हमारी सैलरी होगी उससे, और सबसे शुरू शुरू में हमारी जो सैलरी थी उन दोनों में कंपेरिजन करना है। तो शुरू शुरू में सैलरी उसकी 25 रुपया थी, बाद में घटकर जब लास्ट अभी फिलहाल में 24 हो गया है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्त, 1 का आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 1 ऊपर रख लीजिए। अब मैंने बोला जब कि क्या बदलाव आ रहा है, देखिए बदलाव आ रहा है, शुरू शुरू में जो बदलाव था 25 था, या 25 आ जाएगा गुना 100, क्योंकि बदलाव की बात कर रहा है, शुरू स्टार्टिंग से बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पर 25 आ गया, 25 नीचे आएगा 24 नीचे आएगा, ये आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि 25 आएगा कि 24 आएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज कितना बदलाव आएगा, तो बदलाव जब भी चेक करेंगे तो पुरानी आपकी जो सबसे पुरानी सैलरी होगी उससे चेक करेंगे,
तो कर दीजिए 2500 4% आपका आंसर आया। ये 4% क्या है, सैलरी में डिक्रीज हुई है, बदलाव क्या है, 4% उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है दोस्त। ये आपका आंसर आ गया, बहुत शानदार कांसेप्ट, बहुत इजी तरीका, आप ये भी इजी है वैसे तो, लेकिन मैं जो अभी फिलहाल बताऊंगा वो बहुत, इससे भी आप एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में करेंगे तो आपको 10-20 सेकंड में लगेगा करने में, इसको 20 सेकंड लगेगा करने में आपको, जो अभी तरीका बताऊंगा सिर्फ एक सेकंड में आप देख के इसको सोल्व कर लेंगे, वैसा तरीका बताऊंगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे तो आप उसी तरीका लगाइएगा, सिर्फ एक सेकंड में आपको हो जाएगा। इसको मैं तरीका फिर समझाता हूँ, देखिए कैसे आया है ये तरीका, एक बार अगेन आपको बताता हूँ। मैंने बोला 20% की वैल्यू 5 होता है, तो देखिए मैंने एन टू एन क्यों लिखा है, तो एन देखिए सबसे पुरानी ओल्ड हो गई, उससे जब बढ़ा तो नया हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया इसका रेशो 5। आप जैसे मर्जी आपकी अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, मैंने ये तरीका था लिख दिया कि आपको ईजी लगेगा, तो इसके नीचे लगा दिया 5, इसके नीचे 6। फिर जब 20% डिक्रीज हुआ था इन दोनों में, यानी जो सैलरी बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ चुकी थी उसमें ना 20% कम होगा, इसका हम भी लगा लेंगे तो क्या 4-5 हो जाएगा, यानी 4-5 हो गया था। कंपेरिजन कर लिए दोनों को, रेशो निकाल दिए, ये आया, उसको सॉल्व कर लिए। अब जो तरीका है दोस्त, शानदार कंसेप्ट, अब तक क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें एक सेकंड का है। अब जब भी पूछेगा, कहेगा जब भी क्वेश्चन होगा, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आता है, प्रॉफिट लॉस में भी आता है, परसेंटेज में भी आता है, सब में आता है, बहुत से क्वेश्चन में आता है, वो तरीका सिर्फ एक सेकंड का, देखिए क्या है। जब भी क्वेश्चन में कहेगा इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज लिखा होगा एक, दूसरी साइड में लिखा होगा डिक्रीज, ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में इंक्रीज और डिक्रीज लिखा होगा, यानी बढ़त और घटत, यानी ज्यादा और कम लिखा होगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, और आपके दो चीजें ये नोट कर लेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज को नोट करने के बाद थर्ड चीज नोट करना है आपको क्या, कि जो यहाँ परसेंटेज की वैल्यू होगी परसेंटेज में होगा, देखिए वो हमेशा जो वैल्यू रहेगी परसेंटेज में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू परसेंटेज में होगी वो सेम होनी चाहिए। जब डिक्रीज 20% डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज भी 20% होना चाहिए, अगर 10% यहाँ 10 होता है, 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10% आपका डिक्रीज होना चाहिए, अगर 4% इंक्रीज कर रहा है तो 4% डिक्रीज करना चाहिए, यानी डिक्रीज और इंक्रीज की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो समान रहनी चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज की जो परसेंटेज वैल्यू हो वो समान हो, ये बात ध्यान रखना है, और इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, ऐसे लिखेगा a into b गुना 100, यानी ए टू बी का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, जैसे चाहे इसको लिख लीजिए इंक्रीज डिक्रीज बटे 100, ये लिख लीजिए, अगर आप ये भी थोड़ा समझने में लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है तो ये इंक्रीज डिक्रीज लिखिए, इंक्रीज क्या है 20% है, देखिए यहाँ लिखो इंक्रीज क्या है 20% है ना, 20% है मेरे प्यारे भाई, 20 को परसेंटेज नहीं लगाना है, जब परसेंटेज 20% है तो सिर्फ वैल्यू लिखनी है 20, परसेंटेज नहीं लिखना है, डिक्रीज कितना है 20% है बटे 100 कर दीजिए, कर दिया आपका 4 आ गया, 4 आपका 4% मान लीजिएगा, 4% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, 4% आपका आंसर आ गया, हो गया ना मेरे प्यारे भाई। अब ये सोचेंगे, अब आप कहेंगे सर 4% तो हमारा आ गया, ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, ये पूछना है, ये सवाल है आपका, पूछेंगे सर बताइए 4% तो हमारा आ गया, क्या वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है, कैसे पता लगेगा। तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो समान परसेंटेज होगा और समान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दी होगी, तो आपका हमेशा वैल्यू जो आएगा डिक्रीज में होगा, आपका आंसर ये डिक्रीज में होगा, क्या होगा डिक्रीज में होगा। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं, डिस्काउंट में भी आते हैं, और आपका शायद मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी, मतलब जो हमारा होगा उसमें भी आ सकते हैं, कि रेट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो आप एक्चुअली तो पता क्या है, फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या है, पूरा फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए ये पूरा फॉर्मूला ऐसा, तो मैं इंक्रीज डिक्रीज के वैल्यू में लिख रहा हूँ, आई डी लिख देता हूँ, ऐसे तो मैं ए भी लिखता लेकिन आपके लिए समझाने के लिए लिखता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, आई से इंक्रीज डी से डिक्रीज, फॉर्मूला ऐसे होता है दोस्त, ये इंक्रीज प्लस इंक्रीज इंक्रीज माइनस डिक्रीज प्लस इंक्रीज इंटू डिक्रीज बटे 100, ये आपकी वैल्यू होती है, यानी ये आपका फॉर्मूला बनता है दोस्त, ये इस टाइप इस फॉर्म में फॉर्मूला होता है। अब इंक्रीज 20% डाल दीजिए, माइनस इसका डिक्रीज का 20% डाल दीजिए, माइनस प्लस का सिंबल इंक्रीज डिक्रीज बटे 100 कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस ये प्लस का है, माइनस है तो कट जाएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इंक्रीज डिक्रीज, ये आपके पास यही वैल्यू बचेगी ना, तो इसलिए आपका ये सॉल्व हो जाएगा इस टाइप का। देखिए दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अगर मैं अगर ऐसा होता कि यहाँ 10% होता, 10% बढ़ा है 10% कम है, तो आप क्या करते हैं 10 × 10 / 100, यानी आपका आंसर आता है 1%। अगर बोलता 4% इंक्रीज हुआ है 4% डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या करते 4 × 4 / 100, तो आपका 0.16 आपका आंसर आ जाता।
आपको भी बताता हूँ, आप बोलते हैं सर 20 क्यों लिए, 20 परसेंटेज क्यों नहीं लिए, 20 का परसेंटेज क्यों नहीं लिए, यानी मैं इसे 20 परसेंट क्यों नहीं लिखा आपने, ये बोले पूछेंगे आप। तो लिख दिखाता हूँ, मैं ये भी लिख देता हूँ दोस्त आपकी तसली के लिए, तो यहाँ बटे 100 नहीं आएगा, यहाँ पर 100 अगर मैं सीधा परसेंटेज वैल्यू लिख दिया मैंने ऐसे, तो यहाँ नीचे 100 नहीं लगेगा, फिर इसका कैसे लगेगा देखिए, 20 का परसेंट करेंगे 100 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, फिर 20 का 100% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलेंगे सर आएगा, आएगा ही। देखिए अब 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब ये कटेगा, ये दोनों का 25 पर कट जाएगा, लेकिन परसेंटेज 1/25 हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज में थोड़ी आएगा, इसको गुना करेंगे तो 4/100 हो जाएगा, ये मान सकते हैं 4/100 हो गया, और 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 को आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज बोला था तो परसेंटेज लिखेंगे, तो 100% 4% हो गया, 100 की वैल्यू परसेंटेज होती है, तो आ गया ना दोस्त, इस तरीके से भी हो सकता है। चलिए शानदार कंसेप्ट मैंने आपको मेथड समझा दिया, इस टाइप के प्रश्न आए आप एग्जाम में छोड़ के नहीं आना बस, आप और इसको करने में टाइम नहीं लग रहा है, 1 सेकंड तो लग रहा है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्त अगेन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, अभी फिलहाल अभी मैंने जस्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, लेकिन दोस्त उसमें क्या था, उसमें था कि आपका जो वैल्यू थी इंक्रीज की डिक्रीज की वो समान थी, एक जैसी थी, लेकिन इसमें क्या है दोस्त, इसमें थोड़ी वैल्यू आपकी जो अलग अलग है, तो वैसे ही करना है कुछ नहीं, मैंने आपको शुरू शुरू जो फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, जैसे यानी इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस इंक्रीज प्लस डिक्रीज, यानी मतलब माइनस प्लस क्या सिंपल का बताता हूँ कैसे वर्क जाएगी, यानी यह फार्मूला है इंक्रीज प्लस डिक्रीज प्लस इंक्रीज इंटू डिक्रीज बटे 100, ये आप ध्यान रखिए, और माइनस प्लस का भी मैं समझाता हूँ, मैंने फार्मूला ऐसे बताया था, मैंने फार्मूला क्यों बताया था वैसे, तो इधर लॉजिक होता है, अपना भी लॉजिक है दोस्त, देख लीजिए कैसे है। देखिए फार्मूला होता है ऐसे, इंक्रीज प्लस डिक्रीज प्लस इंटू इंक्रीज इंटू डिक्रीज, मैंने आपको बताया था, देखिए इंक्रीज मतलब जो बढ़ रहा है तो प्लस का ही होगा, इंक्रीज क्या प्लस का होगा, और डिक्रीज का मतलब घट रहा है तो माइनस का लगता है, माइनस प्लस का सिंबल माइनस है, डिक्रीज लिख दीजिएगा, और प्लस इंक्रीज बढ़ रहा है, प्लस का सिंबल आएगा गुना माइनस डिक्रीज, ऐसे कर देंगे बटे 100, ये आपका फार्मूला बनता है, ये बनता है ना दोस्त, तो वही मैंने लिखा इंक्रीज प्लस माइनस डिक्रीज, प्लस माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस लिखिए इंक्रीज इंटू डिक्रीज बटे 100, माइनस में वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ये फार्मूला बन रहा है दोस्त, तो आप ऐसे याद रखिए, इसको याद रखिए, बस जहाँ जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ माइनस लगा दीजिएगा और कुछ नहीं है बस, इसको इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कई आपको जाएंगे आगे आगे जो डिस्काउंट होगा या प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये डायरेक्ट इस वैल्यू पर हो जाएगा, यानी वहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज माइनस का सिंपल का थोड़ा लफड़ा हो जाता है, तो आप इससे कर सकते हैं दोस्त। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया, आप देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्त अब देखिए दोस्त ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा 25%, यहाँ होगा 20% दोस्त, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, यानी इफ द प्राइस ऑफ बुक फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20% द नेट चार्ज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, यानी देखिए कोई प्राइस है किस किताब का मूल्य है, पहले 25% कम हो जाता है, फिर बाद में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका नेट प्राइस नेट मूल्य क्या है आपको ये बताना है दोस्त, बहुत शानदार। देखिए आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 20% का 5% भी होगा 1/5 और 25 का 1/4 होगा, तो आप वही लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पुरानी वैल्यू ओल्ड, उसके बाद न्यू N1 हो जाएगा, फिर N2 हो जाएगा, जो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए 20% जब वैल्यू यहाँ से 25% की बात कर रहा था, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो 25% का मतलब होगा 1/4, तो इतने वैल्यू पर 4 थी तो घटेगी, डिक्रीज करेगा कितना का 3 होगा, घटेगा कितना का 3 होगा ना, यही डिक्रीज कर रहा है, हम कम हो जाएगा 4 में से, ओरिजिनल में से घटा देंगे 3 आ गया, फिर बोल रहा है कि आपका 20% अब बढ़ा दिए, 20% इस पर बढ़ाएंगे, यानी इसका 20% का इन दोनों में बढ़ाएंगे, इन दोनों में बढ़ाएंगे 20%, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 मान लेंगे, इसका यहाँ लिख लीजिए इसके नीचे 5, जब बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, हो गया, अब वही जिगजैग मेथड लगाइए, जिगजैग मेथड लगाएंगे तो आपके आ जाएगा, अब क्या होगा आपका देखिए 5 × 20 इसका आ जाएगा 5 × 20 6 × 5 = 15 6 × 18 ये आपका आ गया, ये आ गया आपका रेशो, और रेशो आ गया, सेम टेबल को कटने वाला तो नहीं है, लेकिन आपको बोला है कि नेट प्राइस बताना, नेट प्राइस क्या है, तो आपका 18 और 20 आ गया, तो नेट प्राइस कैसे निकलेगा दोस्त, देखिए 18 में से अब यहाँ 2 घटा दीजिए, 18 में से 2 घटाएंगे, 20 में से 18, देखिए नेट प्राइस मैंने बताया था कि जब भी कंपैरिजन होगा तो आपका सबसे पुराना मूल्य और लास्ट वाला जो मूल्य होगा निकलेगा, पुरानी वैल्यू 20 है, नहीं कितना निकला है 18 निकला है ना, तो कितना का हुआ है, तो देखिए यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्योंकि 20 पहले देखिए 20 का दाम था, आप कम हो गया, तो कितना घटा हो रहा है, 2 रुपये घटा हो रहा है, 2 लिखिए ऊपर, 2 लिखा जाएगा, कितना है नीचे 20 है, 20 लिखा जाएगा नीचे, गुना 100 कर दीजिए,
परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, सब कर देंगे। अभी कर दीजिए, ऐसे से कर दीजिए, 10% आपका आ गया आंसर, यानी 10% डिक्रीज हो रहा है वैल्यू आपका, 10% डिक्रीज हो रहा है, समझ गए। ये हो गया मेथड, और आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने समझाया, उस फॉर्मूले से चुटकी में ओनली 1 सेकंड में निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। इंक्रीज की वैल्यू कितनी है, 25 है, फिर डिक्रीज, इंक्रीज की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 प्लस में आएगा यहाँ पर, बताया आपको। डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, डिक्रीज कितना कर रहा है, 25 कर रहा है, तो माइनस 25 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ लगा लीजिए, फिर आपका इंक्रीज कितना कर रहा है, 20 कर रहा है, फिर गुना डिग्री कितना कर रहा है, 25 कर रहा है, माइनस 25 हो जाएगा, गुना बटे 100 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इन दोनों घटा दीजिए तो माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का सिंबल। अब इसको कट रहा है, काट दीजिए, कर दीजिए, 2 से 2 5 5 25 25 25, यानी 5 हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोनों माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका -5 -5 = -10, आपका -10 आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका वैल्यू डिक्रीज कर गया। फॉर्मूला से करने में जस्ट 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए बोलता हूँ जब भी दो समान देखिए, तो आपको वो वाला मैं बताया था तरीका, जिसमें दोनों समान परसेंटेज होंगे और इंक्रीज डिक्रीज कर दिया होगा, तो सीधा आपका दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देना है। जैसे 10 10 दिया होता तो 10 गुना 10 100 बटे 100, तो एक आ जाता आपका। और जब अलग अलग वैल्यू दी होगी तो आपका पूरा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो पूरा फॉर्मूला लिख के भी आप कर रहे हैं, यानी इस तरीका लगा भी रहे हैं, शॉर्ट तरीका जो मैंने सिखा दिया आपको, जिसमें भी आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में हो रहा है, जहां मैंने रेशो, अगर रेशो बनाए करेंगे तो रेशो बनाए करने में आपको ये लग रहा है लगभग आपका उस टाइम 15 से 20 सेकंड ले रहा है, लेकिन आप फॉर्मूला ये वाला तरीका जो शॉर्ट तरीका मैंने बताया ये लगाए करेंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्त सिर्फ 5 सेकंड में होगा, अगर सेम वैल्यू दी होगी तो 1 सेकंड में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए दोस्त, हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। इस टाइप के एग्जाम में बहुत आते हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है दोस्त। तो आप देखिए, बहुत मजा आया करने में, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट ये सिर्फ एक मतलब क्या आपके सामने एक छल है, छलावा है, जो बस पढ़ने में लगेगा, सिर्फ टफ है, ये बहुत ईजी है दोस्त, देखिए करके निकल जाएंगे आप कैसे। आप बस क्वेश्चन डिमांड करिए, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, दिस कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर 837 rupees, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ शुगर, यानी शुगर के प्राइस में कितनी कमी आई है आपको बताना है, पर केजी के प्राइस बताना है कितनी कमी आई है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोला, शुगर का प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, 10% हो रहा है, यहाँ लिखता हूँ ओल्ड, यहाँ न्यू, न्यू ओल्ड का मतलब समझ गए, 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% इक्वल टू 1/10 होता है, परसेंट इससे पहले होता है कि 10% हो जाए तो कट जाएगा, बटे 10 आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, और जो नया वैल्यू 9 आ गया है, पता है जब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस होने का था कम होना, तो ओरिजिनल वैल्यू 10 हो गया तो कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो यानी 9 हो जाएगा, यहाँ तो समझ आ गया आपको, आई होप आ गया होगा। ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया, यानी बंदे का जो भी पर्सन है, जो पहले 10 रुपये खर्चा करता था, अब प्राइस यानी शुगर खरीदने में पहले 10 रुपये खर्चा करता था, एग्जाम्पल है, इसको एक्स मान सकते हैं, जो भी आपको जो आपका मन करे, जो मानना मान लीजिए, मैं रेशो है तो रेशो ही ले लीजिए भाई, ठीक है। इसको देखिए, पहले पर्सन 10 रुपये खर्चा करता था, अब वो शुगर पर 9 रुपये खर्चे कर रहा है, उसका कंजप्शन कितना है, कंजप्शन उसका उतना ही है, कंजप्शन क्या होता है हमेशा देखिए दोस्त, एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1/c, यानी 1/c कंजप्शन, यानी क्या है मतलब होता है, इन्वर्सली होते हैं, यानी ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो यानी आप इन्वर्सली मतलब क्या होगा कि पहले देखिए 9 बटे अब क्या होगा, 9 10 है तो इसका क्या होगा, 10 हो गया, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9, क्यों आएगा दोस्त, इन्वर्सली होते हैं, तो यहाँ अगर पुराना 10 है तो यहाँ नया कंजप्शन 10 आ जाएगा, पुराना 9 है तो नया जो प्राइस क्या बोलते हैं पुराना, अगर इसका कंजप्शन 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आया 10 9 कैसे आया, अगर आपको करेंगे तो 1/9 1/10 का ऐसे करके देख लीजिए, एलसीएम ले लेंगे 90 आ जाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, इसका वैल्यू 9 आ जाएगा, तो वही दोस्त तरीका है, वही कुछ नहीं है, बस वैसे ही है, बस आपका समझिए इन्वर्सरी प्रोपोर्शन का मतलब, यानी एक दूसरे को उलट का मतलब क्या होता है कि जब भी ये दी होगी तो पुरानी वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ठीक है दोस्त, एक दूसरे के उलट होते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया, जो आपका यानी जो उसका क्या बोलते शुगर का प्राइस 10 रुपये था, 9 रुपये हो गया, तो कंजप्शन उसका 10 9 हो गया, यानी उसका कंजप्शन बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, 6.2 kg बढ़ा है, तो आपका रेशो में आपके हमारे पास जो कंजप्शन बढ़ा है रेशो में है, ये जो हमारे पास कंजप्शन बढ़ा है दोस्तों क्या है, रेशो में है ना, तो इसका आप रेशो में घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा, 1 इक्वल टू कितने के बराबर आ गया, 6.2 kg के बराबर आ गया, ये मान के ये बात समझ आ गया, यानी रेशो में हमारे पास निकला है, प्राइस भी हमारे पास रेशो में है, 10% बढ़ा है, कम हुआ है प्राइस में, तो
तो पहले 10 रुपये यानी जो पुराना प्राइस था चीनी का, चीनी का पहले दाम कितना 10 रुपये दाम था, तो अब 9 रुपये दाम हो गया है, ठीक है चीनी का, ठीक है। और उसको उस टाइम जब चीनी 10 रुपये किलो होता था, तो मान लीजिए 10 रुपये, इसको 10 रुपये मान रहा हूँ भाई, 10 रुपये है नहीं, ज़्यादा ही होगा, तो 10 रुपये मैं मान लेता हूँ, अगर 10 रुपये चीनी का प्राइस था तो 9 किलो चीनी खाता था, जब प्राइस उसका 9 किलो चीनी हो गया तो 10 किलो चीनी खाने लग गया, इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर वही मैंने ये आ गया आपके पास रेशो में, तो रेशो का अंतर 1:1 आ रहा है, रेशो का अंतर कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है, जो कुछ 6.2 केजी के बराबर है, तो 10 यहाँ पर 10 केजी है, तो 10 केजी के हिसाब हो जाएगा, क्योंकि हमको प्राइस पता करना पर केजी के हिसाब, तो यानी हमारे पर केजी प्राइस का पता करना है चीनी का, तो हमारे पास 1 केजी, एक जो है 6.2 का अंतर है, 10 केजी कितने के बराबर होगा, इन 10 किलो चीनी खा रहा है, 6 × 10 तो कर देंगे तो बटर कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 62 केजी, यानी उसका रियल में जो है यानी वो डेली 62 केजी चीनी यूज कर रहा है, ये रेशो में था, एक रेशो बराबर हो गया, यानी इसको आप एक्स मान, मुझे लग रहा आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इसको एक्स मान लीजिए, यहाँ एक्स मान लीजिए, प्राइस के बारे में रहने दीजिए, प्राइस सेम नहीं होता है, प्राइस वाई हो सकता है, ठीक है वाई मान लेते हैं दोस्त, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए घटा देंगे तो 1x आ गया, ठीक है x इक्वल टू 6.2 के जी है, तो 10x कितना होगा, 10 के x की वैल्यू में 10x की वैल्यू आप 6. डाल देंगे, 10 × 6.2 डाल देंगे तो सोल्व करेंगे तो आपका कट के आ जाएगा 62 केजी, यानी वो 62 केजी चीनी खा रहा है, वो बंदा कितना यूज कर रहा है चीनी, 62 केजी चीनी यूज कर रहा है, लेकिन उसके पास कितना रुपया खर्च कर रहा है, 837 रुपया खर्चा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 837 रुपया खर्चा कर रहा था, 37 यानी 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो देखिए 62 × 62, ठीक है 62 × 37 का 62 × 62 1, 7, 2, फिर 62 को 5 से गुणा कीजिए, 5 × 10 कितना आएगा, 3 से गुणा कीजिए, देखिए 5, 6 और 18 187 आएगा, यहाँ पर 86 आ जाएगा, 186 आ गया तो आप 13 आ गया, अब घटाइए कितना आएगा, 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आ गया आपका, अब ये रहा 11 × 6 जाएगा 5, 11 × 6 गया कितना होगा 5, और आपका यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 8 लगा दीजिए, अब देखिए 5 के टेबल कितना टेबल पर कटेगा, 6 के टेबल पर काटिए, इसको 6 के टेबल पर कट रहा है, देखिए 62 × 6 कीजिए 12, ठीक है 12 और आपका 36 × 37 आपको कितना आएगा, यहाँ पर सेकंड लीजिए दोस्त, यहाँ पर आपका दोबारा से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सेकंड ओके दोस्त, डिवाइड कहीं गलती हुआ है डिवाइड में, यहाँ तक पता लग गया आपको, यहाँ तक पता लग गया होगा, यहाँ तक 62 को जब सोल्व करेंगे तो आपको कितना आया, 62 × 62 1 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, 7 आ गया, अब 62 को आप 4 से करेंगे तो कट जाएगा भी नहीं, 8, 24 यानी 248 आएगा, तो कटेगा नहीं, 3 पर ही जाएगा, 3 पर ही जाएगा, तो 3 पर करिए, 3 पर करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिख लेंगे और 6 आ गया तो यहाँ 6 से 18 होगा, 18 होगा यहाँ पर, ठीक है तो 3 × 6 = 18 आप घटाइए 1, और 11 में से 8 गया 3 होगा, 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ 0 लगा लीजिए, और फिर 5 × 3 और देखिए 5 से गुणा कीजिए तो 5 × 10 असल है 1, 5 × 36 ये आ गया 310, यानी 13.5 एक किलो चीनी का कीमत 13.5 आपका आता है, तो यह बोला है कि फोर व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी शुगर, पर के एक किलो शुगर पर कितना प्राइस कम हो रहा है, देखिए दोस्त यानी वो 837 रुपये खर्चा कर रहा है, ये तो 10 किलो चीनी उसको एक्स्ट्रा मिला था, यानी 62 की टोटल 62 की चीनी खरीदा है, लेकिन उसको चीनी कितना मिला था एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा उसको 6 पॉइंट पर केजी मोर मिलते हैं, इतना 62 उसको ज़्यादा चीनी मिला है, तो यानी 62 से डिवाइड कर देते 13.5 यानी एक किलो चीनी पर कितना कम होगा, एक किलो चीनी पर 13.5 रुपया, यानी 13.5 रुपया क्या हुआ कम हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। आई होप दोस्त आपको समझ आया, मजा आ रहा होगा, समझ आया कैसे आया, न्यू ओल्ड प्राइस ले गया, ओल्ड प्राइस अगर 10 वाई मान लिया, 10 वाई मान लिया या 9 वाई मान लिया, वैसे भी इसका कोई रोल नहीं था, तो आप इसका देखिए अपोजिट लिख सकते हैं, यहाँ पर 10x 9x लिख सकते हैं, इसको मैं टेक देता हूँ, टिका ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा, अगर वो कन्फ्यूज रहेंगे नहीं तो, ये आ गया तो भाई एक्स की वैल्यू 6.2 आया, 10x की वैल्यू कितना आ गया 62 आ गया, और 62 डिवाइड करते हैं 837 से तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, बहुत शानदार कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्त, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप प्रॉफिट लॉस में घुस गए, प्रॉफिट लॉस टाइप का क्वेश्चन हो गया दोस्त, एक तरफ से कह सकते हैं, ये आपका प्राइस पे बेस है, ये आप कर सकते हैं, आपको जो रियल लाइफ से रिलेटेड भी है कह सकते हैं ये,
देखिए कैसे, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75 रुपीज, यानी कोई आर्टिकल यानी कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 75 रुपया है। द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, लेटर इट वाज रिड्यूस बाय 20%, और द प्राइस कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, या ठीक है दोस्त क्या बोल रहा है कि एक जो है ये आर्टिकल यानी वस्तु है उसका प्राइस आपका 75 रुपया है और 20% बढ़ जाता है फिर 20% कम हो जाता है, तो आपको बताना वस्तु का मूल्य कितना रुपये है, प्रेजेंट यानी फिलहाल में वर्तमान मूल्य उसका कितना है। अगेन दोस्त ये याद होना चाहिए 20% इक्वल टू 1/5, यह पता ये 20% का वैल्यू 1/5 होता है, ये आपको याद होना चाहिए ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड, ठीक है, न्यू यानी N1 N2, ये क्यों लिखा मैंने N1 N2 क्यों लिखा ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि दोस्त मैं रेशो बनाया करूँगा बहुत ईजी तरीके से होगा, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से होगा रेशो बनाया करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका, क्या होगा तो इसका वैल्यू कितना है आपका 20% का, मैं ओरिजिनल वैल्यू बोला था नीचे वाला कितना 5 होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू का कितना है 5 आ गया, ओरिजिनल वैल्यू का कितना है 5 आ गया, 5 रेशो आ गया यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, और आपका एक्स मान लेते हैं, चलिए एक्स मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होता, 5x आ गया यानी ओरिजिनल वैल्यू का 5x है, और एक क्या और डी यहाँ बोला है कि आर्टिकल में 20% का इंक्रीज हुआ है यानी बढ़ा है, 20% क्या हुआ बढ़ा है तो बढ़ा दीजिए तो 6x हो जाएगा, या 6x हो गया ठीक है। फिर आपको बोला है दूसरे में ओरिजिनल वैल्यू में 20% यानी 20% फिर आ गया तो 5 ओरिजिनल वैल्यू इसके यानी यहाँ पर इसके बाद रिड्यूज, इससे रिड्यूज होगा ना, इससे कम होगा दोस्त, इससे कम होगा तो आप अगर आप इससे भी ऐसे भी कर सकते थे, इस वैल्यू को भी 5% करके कर सकते हैं, लेकिन दोस्त क्या होगा इस वैल्यू कर तो सकते हैं लेकिन कन्फ्यूज होंगे आपका डेसिमल में आएगा दशमलव में आएगा, जिससे आपको करना सोल्व करने में बहुत मुश्किल आ सकती है, इसीलिए दोस्त सीधा रेशो बनाइए। तो आप देखिए 5% है तो यहाँ पर 5 मान लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू का 5x मान लीजिए, अब रिड्यूस हुआ है तो कम होगा तो 4x हो जाएगा, रिड्यूस मैंने कम हुआ तो 5 से घटा दीजिए 4x आ गया, अब जिग जैग रेशो लगाइए 25x आ जाएगा इधर, इधर 30x आ जाएगा, ये आपका 24x आ गया, कितना गया 24x आ गया। देखिए प्राइस क्या है, आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस 75 रुपया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 75 रुपया ओरिजिनल प्राइस है, वो जो आपका है ओल्ड प्राइस कह सकते हैं या पुराना प्राइस 75 रुपया है, तो आप क्या करेंगे 75 रुपये इसके बराबर रख लेंगे, 25x इक्वल टू 75 रुपया रख लेंगे, 25x इक्वल टू कितना होगा 75 रुपया होगा, क्यों होगा, क्यों कैसे आया दोस्त, कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं है देखिए कैसे आएगा, जो बोल दिया है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 75 रुपया, हमने रेशो में बना लिया था वैल्यू के साथ, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस होगा 5x से आ गया था यानी 25x सोल्व कर लिया था रेशो को बनाकर, 25x यानी हमारे जो इमेजिनेशन के द्वारा हमने कहा कि प्राइस का वैल्यू हमको नहीं पता है, हम सोच लिए कि वो ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है 75 है कि 100 है नहीं पता हमको, हमने रेशो बनाया था 25x, जब हमारा जब सोल्व कर लिया रेशो जब हमारा सोल्व हो गया तो उसके बाद हम मन में सोचे देखे कि 25x इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है 75 के बराबर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस वही है स्टार्टिंग प्राइस जो है ओल्ड प्राइस है, तो 25x इक्वल टू 75 का x की वैल्यू निकाल लीजिए 25 या 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, अब बोला है प्रेजेंट प्राइस कितना होगा, प्रेजेंट प्राइस कितना है 24x है, कितना है प्रेजेंट प्राइस कितना है 24x है यानी नैन 2 जो मैं बोला हूँ प्रेजेंट प्राइस 24x है, तो 24 गुना एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, गुना 3 कर दीजिए तो आपका 72 आ गया, 24 किया 72, ये आपका आंसर है मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई मित्र, ये आपका आंसर है, कितना मुश्किल है कितना टफ है, बस कुछ नहीं खेलना है इस टाइप के प्रश्न से आपको खेलना है, इस टाइप के सवालों से आपको खेलना है, बस खेल खेल में उड़ा देना है दोस्त, क्या है बच्चे आपको 20% का मैंने बस आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए परसेंटेज के, उसके बाद रेशो बना के उड़ा दीजिए, बताइए बहुत शॉर्ट तरीका है, आप कहाँ चक्रों में पढ़ते हैं शॉर्ट मैथड शॉर्ट तरीका है ऐसा बोलते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक बताइए शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो यही ट्रिक होते हैं दोस्त, आपको बस खेलना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे भी शानदार क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा पास, बहुत शानदार गहन क्वेश्चन आपके पास दोस्त, बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसका, तो मतलब जवाब ही नहीं दोस्त, ये आपका आ गया क्यूब से रिलेटेड, यानी दोस्त ये आपका मेंस्ट्रुएशन 3D का चैप्टर से क्वेश्चन आ गया जो परसेंटेज से रिलेटेड है, ये मैंने बोला था दोस्त परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप करेंगे तो उसके लगभग आपको सभी चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इसका कुछ ना कुछ आपको रिलेटेड चीजें मिलेंगी देखने को आप पर, जैसे मैं रेशो से रिलेटेड जो मेनली जो रेशो से रिलेटेड चैप्टर थे, हालांकि जो वर्क एंड टाइम हो गया इसमें थोड़ा परसेंटेज का कुछ देखने को मिल जाता है, एफिशिएंसी जब परसेंटेज में दी होती है तब, लेकिन दोस्त रेशो एंड प्रोपोर्शन तो बेसिकली ज़्यादा 90% उसी पर बेस्ड था तो मैंने करवा दिया था, इसलिए मैंने परसेंटेज का चैप्टर लिया था कि देखिए परसेंटेज हर एक चैप्टर में लगेगा जहाँ जहाँ, देखिए अब आप मेंसुरेशन में तो परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता है,
फिर भी 10 से 15% क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज से आ सकते हैं, जो मेंशन में भी, जैसे कि ये आ गया, ड्राइव हो गया है, ये आपके सामने बन गया है। क्या बोला है देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो सरफेस एरिया यानी उसका सतही क्षेत्रफल है, जो क्यूब होता है, घन होता है, घन का सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना मतलब बताना है आपको, घन का सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ाया जाएगा कि बढ़ जाएगा जब उसके साइड को डबल कर दिया जाएगा। यानी आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, पहले तो जो पहले आपको बोलना है कि उसका साइड डबल कर दिया गया, पहले वाली साइड यानी ओल्ड लिख देता हूँ, ओल्ड साइड इसका क्या है, ए है, और जब नया साइड जो कर रहा है, नया साइड क्या है, वो आपका 2a होगा, क्योंकि 2a कैसे आया, ये आपका कैसे आया 2a पता है ना, कि when its side is double, जब उसके साइड को डबल कर दिया गया, जब साइड को डबल कर दिया गया तब ये आपका आया 2a, पहले था ये a, यानी आपको पता है घन, देखे घन, देखिए घन घन घन, ये रहा घन का डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, ये घन देख लीजिए आप, घन देख लीजिए, ये आपके क्षेत्रफल बताना, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सतह का क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसके कितने साइडें, मतलब कितने साइड, साइड का मतलब भुजाएं हो जाएंगी, तो भुजाएं तो बहुत गिनती आठ से ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसका साइड का मतलब देखिए आप एक समझ जाइए कि घन आप एक कमरा मान लीजिए, 3D शेप होता है घन, आपको पता है घन 3D का मतलब होता है जिसमें आप प्रेजेंट हो सके, जिसमें आपको अपने आपको फील कर सके, जिसमें आप घुस सके, वो 3D शेप होता है, कुछ डाल सके उसमें, वो 3D शेप होता है। मान लीजिए घन, घन के, घन के आकार में एक रूम है आपका, आप उसके सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाइए, खड़े हो गए, अब उसके उसके देखिए उसके सतह क्षेत्रफल गिनिए कितने होंगे, देखिए एक, ठीक है, सामने वाला 2, साइड और लेफ्ट वाला 3 और राइट वाला 4, बॉटम का या नीचे का 5, टॉप का यानी छठा आपका छत होगा, ठीक है, तो 6 साइडें हो गई, 6 आपके सतह कितने हो गए, 6 कितने एरिया हो गए, 6 आपके एरिया हो गए, सतह हो गए, सरफेस हो गए, 6 आपके क्या हो गए, सरफेस हो गए, सतह हो गए, और अब आपके पास एरिया है, देखिए घन जो होता है दोस्त, ये आपका जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी घनाभ होता है, वो रेक्टेंगल से बना होता है, उसके जो 2D शेप होता है रेक्टेंगल, इसका 2D शेप होता है आपका, इसका 2D शेप होता है वर्ग यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, इसीलिए इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका एरिया 6a² हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि 6 आपके पास क्या हो जाएंगे, 6 आपके पास वर्ग होंगे, नीचे वाला एक वर्ग होगा, इधर वाला वर्ग होगा, उधर वाला 3, आपका ये वाला 4, इधर वाला 5, ऊपर वाला 6 वर्ग हो गए, तो वर्ग 6 वर्ग और उसका एरिया ए स्क्वायर, ये आ गया और पता लग गया। तो अब देखिए दोस्त क्या है, पहले वाली भुजा कितनी थी, ए स्क्वायर ए थी, पहली भुजा की ए थी, अच्छा दूसरा वर्ग बनाया गया, इसके इसके साइज को इंक्रीज किया गया, तो ऐसे इसका भुजा कितनी हो जाएगी, 2a कर दी गई, कितनी कर दी गई, 2a कर दी गई, 2a लिख दीजिए, 2a कर दी गई, देखिए इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 6, अब एक जगह पर एक वैल्यू ही रखेंगे, 6a², इसका एरिया कितना आ गया, 6a² आ गया। अब इसके बाद जहाँ a की वैल्यू होगी, जहाँ a स्क्वायर की वैल्यू, वहाँ पर डाल दीजिए 6 × 2a डाल दीजिए, 2a, अरे एक वैल्यू क्या है, 2a है ना, एक वैल्यू कितनी है, 2a है, तो 2a डाल दीजिए, 2a डाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इसको, कितना आ गया आपका, 6 × 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4a² आ जाएगा, 4a² आ गया, = 6a² इधर हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए कितना आ गया दोस्त, 24a² आ गया, कितना आ गया, 24a², इधर 6a², यानी पहले वाला जो घन था, पहले वाला जो क्यूब था, उसका क्षेत्रफल कितना है, 6a² है, जो नए वाले का घन कितना है, 24a², कितना ज़्यादा है इससे दोस्त, बोला कि कितना का मतलब परसेंटेज, कितना परसेंट एरिया होगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है, वो बोला है कितने का मतलब द परसेंटेज इंक्रीज, हाँ सॉरी इंक्रीज बोला है दोस्त, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इंक्रीज बोला है कितना परसेंटेज इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज देखिए कितना इंक्रीज कर रहा है, तो घटाइए इसको 24 से 6 घटाएंगे कितना का 18, यानी 18 जो है 18 इसका इंक्रीज कर रहा है, 18 एरिया इंक्रीज कर रहा है, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर ले लीजिए, ठीक है, 18a² क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कितना पर कर रहा है, 6a² से कर रहा है, मैंने बोला था जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बात होगा तो इंक्रीज होगा तो छोटा वाला नीचे आएगा, डिक्रीज होगा तो बड़ा वाला नीचे आएगा, तो कितना इंक्रीज कर गया, तो 18a² इंक्रीज कर रहा था, आप डिवाइड करेंगे कितना पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आपका नीचे 6a² ऊपर आ जाएगा 100, ए स्क्वायर से स्क्वायर कर दीजिए, 6 से 18 कर दीजिए 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 300%, जो दो यानी दो दुगना करने पर उसका जो साइड भुजा को मैंने जब घन की भुजा को दुगना कर दिया गया तो वो क्षेत्रफल में 300% की इंक्रीमेंट आई, यानी 300% इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, ऐसे मान लीजिए। तो दोस्त मजा आया होगा, शानदार कंसेप्ट करा दिए, तो देखिए दोस्त हमने प्रश्न के 3 क्लास मतलब लगभग 3-4 क्लास ले ली, जिसमें हमने आपको 3 कंसेप्ट सिखा दिए,
तीन टाइप के प्रेशर जो बनते हैं बता दिया मैंने, पहले ये वाला भी हमने जो ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया रिड्यूस प्राइस का इतना परसेंट बढ़ जाता है तो कितना कम होगा बता दिया गया, सिंपल परसेंटेज जो थे सॉल्व करना सिंपल परसेंट को रेशो बनाना वो भी बता दिया, यानी तीन कंसेप्ट आपको सिखा दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो और भी हाई लेवल जाएंगे इससे अच्छे वाले कंसेप्ट आने वाले हैं आगे भी है, कल वाली क्लास आप जरूर वॉच कीजिएगा, पार्ट थ्री या पार्ट फोर पार्ट फोर देखिए उसमें जो हम करवाने वाले हैं कल वाली क्लास में दोस्त, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट होगा, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे आपके पास जिसको देख के आपका दिल गर्म गर्म हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और मजा आ जाएगा आपको, जिस तरह आज मेरे चैप्टर करने में मजा आया, करने में कोई नहीं दोस्त हलवा आया, जैसे मैंने डायग्राम बना के समझाया इतने शानदार तरीके से समझाया आपको और आपके लिए हलवा बनाया करके दिखा दिया, तो इसी तरह दोस्त आप भी यूट्यूब को चैनल को हलवा बनाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन जो आपका बेल आइकन है नोटिफिकेशन का उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं से, और दोस्त जान लीजिए जो आपका क्या बोलते हैं आपके फ्रेंड को जितने भी आपके फ्रेंड है सबके पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जोड़िए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, हम है ख्याल आपका, और दोस्त एक और बात, मेहनत हमारी सफलता आपकी दोस्त, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी, थैंक यू दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।